हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट गणेशा। तो दोस्तों, दिन ब दिन आप रुपए पैसों की तंगी के लिए जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके नौकरी व्यापार में थोड़ा सा चढ़ाव उतार चालू है। तो दोस्तों, सोचना किस बात का। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसा कुछ लाए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि घर के सामने या आपके घर के पास ये पेड़ पौधा लगाने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। यानी कि आपको नौकरी व्यापार के प्रॉब्लम चल रहे हैं वो तुरंत सॉल्व हो सकते हैं। यानी कि नौकरी में तरक्की हो सकती है, व्यापार आपका चल सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिसे लगाने से महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। यानी कि धन धान्य की आपके घर में कमी नहीं होती है और रुपए पैसा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, आप घर में पेड़ लगाते हैं तो घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, विश्व में बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का एक बड़ा कारण है लगातार हो रही है पेड़ों की कटाई। कहा जाता है कि पेड़ लगाने से हरियाली रहती है और प्रदूषण भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही अगर आप घर में पेड़ लगाते हैं तो घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं। वैसे तो वास्तुशास्त्र हर घर के लिए शुभ है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे घर आंगन में लगाना अशुभ फल भी देते हैं। अगर आप भी भाग्य का साथ चाहते हैं तो इन पेड़ पौधों को घर में लगाइएगा। इससे आपके घर की खूबसूरती और हरियाली बढ़ेगी। साथ ही ये पेड़ शुभ भी फल माने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से है ये पेड़। तो दोस्तों, नंबर एक, अशोक का पेड़। जी हाँ दोस्तों, वास्तु की माने तो अशोक का पेड़ घर के पास लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि अशोक का पेड़ घर या उसके आसपास लगे हुए हो तो अन्य अशुभ पेड़ों का दोष समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, यदि अशोक का पेड़ आप घर पर लगाते हैं तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, रुतबा बढ़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो अशोक का पेड़ अवश्य लगाएगा। तो दोस्तों, नंबर दो, अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा बहुत सारे औषधि गुण भी है जिसके बहुत ही से लाभ होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के अंदर उगने वाला अश्वगंधा का पौधा शुभ और वास्तु दोष निवारक होता है। अश्वगंधा का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यानी कि आपका परिवार हरा भरा रहेगा, सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, ये पेड़ अवश्य लगाएगा। तो दोस्तों, नंबर तीन, नारियल। दोस्तों, नारियल का पेड़। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जो नारियल का पेड़ घर में अंदर लगा होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। इस पेड़ के रहने से घर परिवार के लोगों का मान सम्मान बढ़ता है और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो दोस्तों, नारियल का पेड़ लगाने से आपके जीवन में सफलता हासिल होती है। तो दोस्तों, अवश्य लगाएगा। तो दोस्तों, नंबर चार, अनार का पेड़। दोस्तों, अनार का पेड़ घर के आंगन में लगाना शुभ माना गया है। तो दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, घर के इसे अग्नि कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ जगह पर अनार का पेड़ घर में होना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, नंबर पाँच, बरगद का पेड़। वास्तु की नज़र से बरगद एक बहुत ही लाभकारी पेड़ है। किसी भी घर या इमारत के पूर्व की दिशा में अगर बरगद का पेड़ होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। बरगद का पेड़ घर की पश्चिम दिशा में होना अशुभ होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर छः, जामुन का पेड़। वास्तु के मुताबिक जामुन का पेड़ घर के दक्षिण दिशा में लगाना शुभ होता है। घर की अन्य दिशा में जामुन का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर सात, बेल का पेड़। बेल के पेड़ को भी घर के आसपास लगाना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस पेड़ में भगवान भोले शंकर का वास होता है। तो दोस्तों, बेल का पेड़ आप लगाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर रहेगी। यानी कि आपके सभी काम बनेंगे, भोले शिव शंकर के
माध्यम से आपको सब सुख प्राप्त होगा जो आप जीवन में चाहते हैं। तो दोस्तों नंबर 8, हल्दी का पेड़। दोस्तों हल्दी का पौधा लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, इसलिए हल्दी के पौधे को घर में जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी खिलती रहेगी और आपके सभी काम बनेंगे। तो दोस्तों नंबर 9, कृष्णकांता का पेड़। दोस्तों कृष्णकांता एक तरह की बेल है जिसमें नीले रंग के सुंदर फूल होते हैं। इस बेल को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, साथ ही इसे लगाने से आर्थिक समस्या भी समाप्त होती है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों आप अखंडित लक्ष्मी यानी कि धन चाहते हैं, रुपए पैसे चाहते हैं, तो दोस्तों कृष्णकांता अवश्य लगाएगा, जिसे लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहेंगी, यानी कि महालक्ष्मी आपके घर में रुकी रहेगी। तो दोस्तों ये पेड़ अवश्य लगाएगा। तो दोस्तों नंबर 10, तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्व होता है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो ये पौधा उसे समाप्त कर देगा, उसका औषधि गुण भी आपको स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों तुलसी का पौधा यदि आपके घर में बार बार सूखता है तो फिर से लगाइएगा। दोस्तों ये पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी अवश्य टिकती है, यानी कि घर से जाती नहीं है, आपके नौकरी व्यापार में सफलता अवश्य मिलती है, यानी कि रुपए पैसों का आपके घर में आगमन होता है। तो दोस्तों शाम के समय तुलसी के पौधे के पास तेल या घी का दीपक अवश्य जलाएगा, इससे स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में टिकी रहेंगी। तो दोस्तों ये पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी रुकती है। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।